अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू ब्यूटी कॉर्नर। और ये मेरी बिल्ली ने कर दिया है काम ख़राब। मेरा जुगाड़ जो था वो इसने ख़राब कर दिया। सो ये है वो खातून जिसने काम ख़राब किया है हमारा, और ये खातून आलम मेरा पूरा सेटअप ख़राब करने पर तुली हुई है। पर छोड़ें, हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मैं इसमें आपको दिखाने वाली हूँ अपने डिफरेंट आई शेडो पैलेट्स, कंटूरिंग पैलेट जो कि मैंने रिसेंटली खरीदे हैं। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। अगर आप चैनल पे न्यू है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखना अपने इसको। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो ये रहा न्यू सेटअप मेरा, मैंने फटाफट कर लिया है बिकॉज वो पहले ख़राब कर चुकी थी। सो स्टार्ट करते हैं पहली एक आईब्रो पाउडर से जो कि है बेटी बूब का, एज यू कैन सी। सो ये है बेटी बूब का आईब्रो पाउडर, यू कैन सी फ्रॉम, मैं आपको थोड़ा सा फोकस कर देती हूँ, ठीक है? नहीं हो रहा तो मैं रुक जाए, आपको फोकस हो रहा होगा कलर्स पे। तो इसमें तीन कलर हैं, ब्लैक, ब्राउन एंड डार्क ब्राउन। लाइट ब्राउन है और डार्क ब्राउन है। मैं आपको उसको फोकस करके दिखा देती हूँ, अगर आपको नज़र, ये देखो इसके स्वाचेस भी दिखाती हूँ। सो ये कुछ इतना लाइट सा शेड है, ये इसका ब्लैक, ये देखो तो ये कुछ इसका शेड है। और ये बेटी बूब का है, इसकी प्राइस मैं मेंशन कर दूंगी। सो भी मुझे बहुत बड़ा मिसहैप हुआ है, मुझे लगा वो रिकॉर्डिंग हो रही है और मैं पूरी इसकी डिटेल बता चुकी थी, और मुझे पता चला कि मेरी तो लाइक रिकॉर्डिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है, मैंने उसको प्ले करना भूल गई। तो स्टार्ट करते हैं दोबारा से, तो मैं आप लोगों को दोबारा बताती हूँ जो कि नहीं बताया मैंने पहले। सो ये पैलेट है फ्रॉम प्रो लेयरिंग आई पैलेट फ्रॉम क्लियो प्रोफेशनल्स, ये कोरियन ब्रांड है। सो इसकी पैकेजिंग बन जाएगा, ये ऐसे ही मुझे रिसीव हुआ है। सो इट लुक्स लाइक दैट, ठीक हो गया। अब मैं इसको आपको खोल के भी दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरह का लगता है, नज़र आता है आफ्टर खुलने के। ये मेरा फ़ोन था जो बाय मिस्टेक नज़र आ गया आज इसका। सो ये देखें, इट्स कलर बहुत ही खूबसूरत सा शेड है ये। मैं और आपको दिखाती हूँ ये वाला ब्रॉन्ज का शेड, ये देखें जी। सो ये रहा इसके स्वॉच, बहुत ही पिगमेंटेड, बहुत कमाल की पैलेट है। मुझे इसके प्राइस ऐसे लाइक मुझे मिलेगी, मैं आपको भी इसके डायरेक्ट उसी एग्जैक्ट मेंशन कर दूंगी जिस भी उस में मिली ना करेंसी में, तो आप उसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक हो गया। तो ये होगी हमारी सेकेंड पैलेट, को कर लेते हैं बंद। ही कंटोरिंग पैलेट प्रोफ्यूजन इज काइंड ऑफ माई नाउ फेवरेट ब्रांड, बिकॉज इसकी मेरे पास ऑलरेडी दो प्रोफेशनल पैलेट्स हैं, दिस इज़ अ थर्ड वन कंटोरिंग, दो एक आईब्रो पैलेट है, एक आई शेडो। सो लेट्स ओपन इट, टडा। तो ये कुछ इस तरह की मालूम होती है देखने में, तो मैं यूज़ भी कर चुकी हूँ ये, और इट्स काइंड ऑफ अ गुड पैलेट, काइंड ऑफ अ गुड पैलेट, लाइक यू कैन यूज़ इट ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। सो ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ इसलिए इसकी ऐसी हालत है, और इसे मैं आपको ज़्यादा अच्छा इसका कर चुकी हूँ। तो इसमें इट कम्स विद अ ब्रश लाइक दिस, प्रोफ्यूजन का, दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। और साथ इसमें जो शेड्स हैं वो दिखा देती हूँ, एक हाईलाइटर, वॉलनट, हनी, बिस्किट एंड वनीला। सो बेसिकली दिस इज़ अ हाईलाइटर, दिखा देती हूँ आपको, ये देखें कितना पिगमेंटेड है, और बाकी बहुत चीज़ की पिगमेंटेशन है, ये देखें, इग्नोर माई मेसी हेयर्स। और अब इसकी बारी है हनी, ये भी देख लेते हैं, तो ये भी इधर आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छे इसका ये लाइक कंटोरिंग में जो यूज़ होता है लाइक हाइलाइटर, हाइलाइटिंग योर नोज और समथिंग लाइक एरियाज और बेकिंग फॉर समथिंग, तो ये इसके लिए बहुत ही अच्छा है। अच्छा है, मेरी लैंग्वेज को क्या होता जा रहा है। ये देखें, ये थंब पे जो लगा हुआ है ना, ये है बिस्किट शेड का हाइलाइटर। तो मेरा हाथ पूरा भर चुका है, ये देखें, ये जो है ना, ये है हाइलाइटर इसका। तो ये इसके सब शेड्स हैं, जो कि इट्स काइंड ऑफ अ वेरी गुड पैलेट।
आई विल रिकमेंड यू टू यू, अगर आपको मिलती है तो इस पैलेट जरूर ट्राई करें, बिकॉज इट्स लाइक इसमें इसके शेड्स हाँ लेटर बहुत अच्छे हैं, लाइक जो ऑफिस गोइंग या कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं जो कॉलेज में यूज़ करती हैं मेकअप यूनिवर्सिटी को, उनके लिए बहुत अच्छा हाइलाइटर है, बिल्कुल भी ब्राइट नहीं है। जैसे मैंने लास्ट टाइम कंटोरिंग पैलेट सिखाए इसमें डी हमोसा की जो कंटोरिंग पैलेट थी ना, उसमें जो लाइक जो हाइलाइटर थे ना वो बहुत लाइक ब्राइडल लुक्स और वेडिंग लुक्स देते थे, तो इसलिए हिसाब से ये इसके हाइलाइटर बहुत कमाल है। सो यस आई विल रिकमेंड इट टू यू, ज़रूर इसको ख़रीदें। ये प्रोफ्यूजन की कंटोर पैलेट कुछ इस तरह की नज़र आती है, अगर चाहिए तो इसका पैसे यहाँ से स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, पर इसका जल्द मैं रिटर्न रिव्यू जो है अपने इंस्टाग्राम पेज पे मेंशन कर दूँगी, और आपको इसका जो पेज है मेरा कहीं ना कहीं ऊपर साइड पे यहाँ नज़र आ जाएगा, मैं मेंशन कर दूँगी। ठीक हो गया, ये भी हो गई। नेक्स्ट कर चलते हैं पैलेट की तरफ, जो कि है टोटल ब्यूटीफुली फेस पैलेट, जो ये एक लोकल ब्रांड आई गेस, हाँ नहीं सॉरी, ये जोली, ये भी एक्चुअली मेरी मामा भी लाती रहती चीज़ें तो मुझे नहीं याद रहता कौन सी पैलेट मैं लाई थी तो कौन सी वो लाई थी। तो ये भी कंटोरिंग पैलेट है, और ये देखें इनको भी आना था वीडियो में, आके चले गए, मैं इनको देख रही थी कि आना जब आ गई। ठीक हो गया, ये हाइलाइटर है इसका, मैं आपको इसको क्लोजर दिखाती हूँ। ये इसका ब्लश ऑन है, उसका ब्लश ऑन बहुत ज़बरदस्त है, मैं इसका आपको स्वॉच दिखाती हूँ। ये इसका हाइलाइटर है, नहीं कंटोर है, थोड़ा सा शिमरी सा है कंटोर है, इस पर मेंशनड है, और ये इसका, ये भी इसका कंटोर है। ठीक हो गया, मैं आपको इसके स्वॉच दिखा देती हूँ दूसरे हाथ पे, क्योंकि यहाँ पे तो फुल हो चुका है। तो इसका हाइलाइटर बहुत लाइट है, नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा होगा इसमें, यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे, पता नहीं क्यों इस पर मैं इसको फोकस होता था तो ये इस पर नज़र नहीं आ रहा, बट फिर भी इसका हाइलाइटर वैसे बहुत अच्छा है, आई डोंट नो इस पर क्यों नहीं आपको नज़र आ रहा। ये इसका ब्लश ऑन है, तो ब्लश ऑन के आप पिगमेंटेशन चेक कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये क्यों नहीं आ रहा मुझे खुद समझ नहीं आ रही, फोकस ही नहीं कर रहा। आया नज़र कुछ, मैं इसको अपने के लिए लाइट ऑफ कर देती हूँ, कहाँ से ऑफ हो गई, सो इग्नोर मेरी कैट की आवाज़ें, ज्यूली इस वक्त बिजी है कोई काम करने में। सो ये कुछ इस तरह का ब्लश ऑन है, इसके बाद इसकी कंटोर है तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ ये कंटोर तो लाइक सबके बहुत अच्छे हैं, प्रोफ्यूजन का भी बहुत अच्छा है, इसका भी बहुत अच्छा है, और ये इसका हाइलाइटर है जो वो भी बहुत पिगमेंटेड है। ठीक हो गया, सो ये थी मेरी पैलेट फ्रॉम जॉली या जॉली की। ठीक हो गया, आई डोंट नो व्हाई आई एम लाइक, मैं शायद बहुत दिनों बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ इसलिए मैं थोड़ी थक गई हूँ रिकॉर्डिंग से, क्योंकि बहुत दफ़ा रीटेक भी करते हैं, कोई ना कोई आ जाता है और वीडियो ख़राब हो जाती है। सो दिस वन इज़ अजिताना का शाइनिंग बेग आई शेडो ग्रेडियंट कलर, सो ये है इसकी सारी डिस्क्रिप्शन जो कि है आई गेस कोरियन लैंग्वेज में, यस बिकॉज ये भी कोरिया का ही है, और कहाँ गया ये वाला, ये दोनों इकट्ठे आए थे तो ये दोनों कोरियन ब्रांड है, इसलिए इसके मैंने इसको एज अ लाइक वन प्रोडक्ट मेकअप में यूज़ किया था मैंने, तो ये बहुत कमाल है, यानी इसके ये एज आई शेड भी अच्छा यूज होता है और एज अ हाइलाइटर भी बहुत कमाल। इसका आप सिर्फ चेक करें कलर, तो इट्स इन अ फोन कलर काइंड ऑफ फोन, तो इसकी आपको पूरी पैकेजिंग दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह की है डिटेल्ड पैकेजिंग, देख लें इसकी आप, ये देखिए इसका नंबर है शेड नंबर 10 जो कि मेरे पास है, ग्रेडियंट बेक्ड आई शेडो, और ये कुछ इस तरह की नज़र आती है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये थोड़ा फोकस कर लेना मेरा कैमरा मोबाइल का, तो बहुत ये देखें जी, ये देख लें, हम इसका कुछ स्वॉच दिखाती हूँ जो कि होगा सब कुछ का इंतज़ार, तो ये देखें, और इसका मैं कहाँ दिखाऊँ, इधर दिखा दूँ, ये देखें जी जनाब, ये देखें
कि ये फिर फोकस नहीं हो। तो ये कुछ इस तरह का है, मैं इसकी फिर ठीक हो गया। तो ये इसका है चिटाना का, आई होप मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। जूली वहाँ से उतर आओ, वो बेड पे चढ़ गई यार, आई गेस उसको बाहर जाना है और वो यहाँ से डिस्टर्ब हो रही है। वो मेरा हैंड बैग के अंदर जाके बैठ गई है। आई होप मैं आपको दिखा सकती कि वो किस तरह लग रही है, बट नहीं दिखा सकती। खैर, अगेन गोइंग टू दीज टू मिनी पैलेट्स। ओके, ये मुझे याद है मेरी मामा लेके आई हैं, आई गेस कहाँ से लाई थी ये मुझे नहीं याद, मार्केट गई थी मे बी ग्रॉसरी पर, तो वहाँ पे उनको नज़र आ गया ये, तो उन्होंने मेरे लिए लिखी आई। सो इट्स अ क्वाइट हैंडी आई शेडो पैलेट और काइंड ऑफ अ ब्रॉन्जर पैलेट। मैं आपको इसको दिखा, ये देखें। सो मेरे हाथ पे बहुत शिमर लगा हुआ है इस वक्त, ये इसका आपको दिखा दी, ये देखें छोटा सा है पर काम बहुत बड़े करते हैं। और ये तीसरा इग्नोर माय वॉइस, ये इसका लाइट शेड था लास्ट, ये नहीं आया, अब आया, ठीक हो गया। और then going for Arshiki, it's kind of pronounce bhi mere khayal se, yeah it is also in Korean, to ye bhi Korean hi hai, iski bhi palette ka like it's kind of a small highlighter and a bronzer, so tada, so ye dekhe kitna zabardast, iska shade 27 hai। और ये मेरा ख्याल नहीं है कितने की, क्योंकि मैं पूछ के फिर मेंशन कर दूंगी, मुझे इसकी प्राइस नहीं कंफर्म। ओके, सो जस्ट लुक एट कितना भी। तो ये स्वॉच मैंने ही किया था, ये बिल्कुल नहीं पड़ रही थी, तो ये डबल शेडेड है। ये मतलब इसको क्या प्रॉब्लम हो गई, कैमरे को ये फोकस नहीं कर रहा। ये मेरे ट्रिम में नज़र आ रहे हैं आपको, तो ये दो शेड हैं इसके, एक डार्कर जो ब्रॉन्ज है और दूसरा। और मेरे हाथ बहुत गंदे हो गए हैं इतने ज़्यादा मैंने, ठीक हो गया, ये हो गया, हो गया ना, ठीक हो गया। अब मेरे पास बची हैं सिर्फ दो पैलेट्स आपको दिखाने के लिए, सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको दिखाती हूँ इन दो से, सो दिस वन इज़ अ गिफ्ट और ये मेरा नहीं है, दैट्स माय सिस्टर्स गिफ्ट। मैंने उससे बोर हो गया कि आई हैव टू शो इट इन माय मेकअप हॉल वीडियो, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये बेसिकली मार्सेला का गिफ्ट सेट है, मार्सेला का, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। और साथ ही साथ इसमें जो आता है इस बॉक्स में, एक आती है एक आई शेडो पैलेट, एक पेंसिल इन ब्लैक कलर, यू कैन यूज़ एज ऑन योर चॉइस, आप इसको एज अ काजल पेंसिल, एज योर लाइनर, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिक तौर पर ही आई लाइनर है, ठीक है, बट यू कैन यूज़ इट अपनी मर्जी से। और ये है मस्कारा, इसका मस्कारा सबसे बेस्ट है, उसकी रीज़न जो है वो ये है कि ये आईज लाइक आई लैशेज को साथ ही कर्ल भी कर देता है, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है, मार्सेला का एक्सटेंशन प्लस। ठीक है, मैं आपको इसको दिखा देती हूँ खोल के भी, सो ये देख लें आप, ये देखिए कुछ इसका इस तरह का है। और ये है स्मोकी वार्म न्यूड्स, इस पर आपको नजर आ रहा हो इसका नेम, तो मैं इसको भी आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ इस
तरह के शेड्स अंदर से, तो मैंने इसके 3 शेड्स लिए हैं। तो इसका स्वॉच ये 3 है, 1 2 3, ठीक हो गया। ये हो गई इसकी काज लाइन जो है, इसकी मैं आपको दिखा देती हूँ इसका भी एक स्वॉच कितनी ये पिगमेंटेड है। तो आपको ईबे से मिल जाएगा आई गेस, ईबे से या फिर अली एक्सप्रेस से भी। सो ये है, ठीक हो गया। इसको रखते साइड पर। लास्ट पैलेट जो है वीडियो की वो है एलन ट्रेसी की 24 आई शेडो पैलेट, और इसको भी खोलते हैं। अगर खुलती है तो, नहीं खुलती बहुत सख्त है, नहीं खुल रही, खुल गई फाइनली, खुल गई। सो जो ये पैलेट है ना, इसका मेन जो है कि ये दो पैलेट्स का एक वर्जन है। इसमें दो हैं, एसेंशियल नेचुरल्स और ड्रामेटिक बोल्ड्स। आपको अगर इसमें से एक पसंद आती है तो आप उसको भी कैन बाय फ्रॉम। सो या, तो मैंने इसको भी यूज़ किया हुआ है, तो मैं इसका नाम से देख लूँ। फर्स्ट वाली है, ठीक हो गया। ये जो ये नीचे जो रो है ये है ड्रामेटिक बोल्ड्स की, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भी बस शायद पहली पैलेट है जिसमें इतने फंकी कलर हैं, वरना मैं मुझे इतने यूज़ करना पसंद नहीं थी। ब्लू एंड दिस ग्रीन, दिस मस्टर्ड, मैं ये यूज़ नहीं करती शेड्स, बट होने चाहिए पास, तो इसलिए ये वाली ली थी पैलेट। इसको ख़रीदने का कोई मकसद नहीं था, मुझे जो मेन पसंद आए थे वो थे ये वाले ऊपर वाले, इसलिए ये ली थी। सो या, तो मैं आपको पहले ड्रामेटिक बोल्ड्स के कुछ स्वॉच दिखा देती हूँ। सो ये शेड है इसका, ये देखें, और अपने हाथ पे रंग लगा लेते हैं। तो कुछ ऐसा है, बहुत मैट है ये। ये जो शेड्स हैं ये दीज थ्रीज आर मैट इन मैट, और ये थोड़े शिमरी हैं, ज़्यादा शिमर बोल्स, ठीक हो गया। अब चलते हैं एसेंशियल, क्या था, हाँ एसेंशियल नेचुरल्स पे। सो बेसिकली नेचुरल आई शेड्स हैं, इन नेचुरल शेड्स। सो इसको, इसके भी सारा एक दफ़ा देख लें। तो ये रहा पूरा, मैं इसके भी आपको स्वॉच दिखा देती हूँ। सो ये देख इतना पिगमेंटेड है इसका शिमर, देखा कहा था ना शिमरी है। ये देखिए, इस वक्त मैं आपको लास्ट में अपना हाथ भी दिखाऊंगी, पूरा स्वॉच से भरा हुआ है। ये देखिए, सो दिस वाज द वीडियो, और ये है हाथ सारे भरा हुआ। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं इन सब के रिटन रिव्यूज़ जो हैं वो अपने इंस्टाग्राम पेज पे जो है वो मैं मेंशन कर दूंगी। मैं नीचे दो इंस्टाग्राम पेजेस के जो है लिंक मेंशन करूंगी, एक मेरा है फ्रॉम ब्लॉग्स बाय एक की, एक मेरी सिस्टर का द ग्लैम लाइफ। सो आपने उन दोनों को फॉलो ज़रूर करना है, दोनों पे आपको डिफरेंट रिव्यूज़ मिलेंगे। फॉर दी दैट आपको ज़रूर चैनल वो इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना है, ठीक हो गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर ये अपलोड होगी तो, वरना ये भी किसी फ्री रहेगी वरना, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।